याचिका लगाते हुए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इससे साफ इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हम हाई कोर्ट के आदेश जारी करने पर फिलहाल रोक नहीं लगाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में यह भी कहा कि हाई कोर्ट आदेश देगा लेकिन उनके फैसले पर अमल हमारे फैसले पर निर्भर करेगा। अब सोमवार को इस मामले में एक बार फिर से सुनवाई होगी और पूरा घटनाक्रम जो निकल कर सामने आया है आप देखिए कि पहले कैसे सचिन पायलट गुट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो समर्थित विधायक खेमा है उन दोनों लोगों के बीच में पॉलिटिकल राइवलरी दिखाई पड़ी। फिर धीरे धीरे विधानसभा स्पीकर की तरफ से चूंकि नोटिस दिया गया 19 विधायकों को जिनमें से सचिन पायलट भी शामिल थे, पूरा का पूरा सचिन पायलट खेमा सीधे पहुंच गया हाईकोर्ट में याचिका लगाते हुए। उनकी तरफ से जो पैरवी थी वो हरीश सालवे और मुकुल रोहतगी की तरफ से की गई। इसी बीच में चूंकि एक्सटेंड कर दिया गया विधानसभा स्पीकर की तरफ से सदस्यता को लेकर दिए गए नोटिस के जवाब के लिए जो मामला था वो एक्सटेंड होता चला गया, पहले 21 उसके बाद 24 जुलाई तक के लिए। ठीक इसी बीच सीपी जोशी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक SLP दायर की गई, स्पेशल लीव पिटिशन। और हमारे साथ अंकित तिवाड़ी जी मीडिया संवाददाता जयपुर से और सुमित हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं। इसके अलावा नाहर माहेश्वरी साहब हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता भी इस वक्त बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। नाहर साहब आपके पास आएंगे, उससे पहले मैं चाहता हूं कि एक बार सुमित आपके पास आते हैं। अभी जो अपडेट निकल कर आज निकली है कहा जा रहा है कि अभी फिर से सुनवाई होगी लेकिन अभी इंतजार है हाईकोर्ट के फैसले का या हाईकोर्ट के डिक्री का। जो आदेश वहां से होगा उस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट में उस चीज को एंटरटेन करते हुए चीजें आगे बढ़ेंगी। और क्या कुछ कहा गया इसमें? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से याचिकाकर्ता स्पीकर सीपी जोशी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, उन्होंने इंटरिम पीरियड में मांग की थी कि हाईकोर्ट का जो 21 जुलाई का जो आदेश है उस पर फौरी तौर पर जो है रोक लगाई जाए। फिलहाल इस पीरियड पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई गौर नहीं किया है, फौरी तौर पर किसी तरह की जो राहत है वो स्पीकर को नहीं मिली है। और जिस तरह से मांग जो है लगा बार बार कपिल सिब्बल जो स्पीकर के वकील थे उन्होंने मांग बार बार उठाई कि हाईकोर्ट का ज्यूरिडिक्शन इस पूरे मामले में नहीं बनता है, हाईकोर्ट इस मामले को एंटरटेन नहीं कर सकता है, हाईकोर्ट इस मामले में स्पीकर को डायरेक्शन नहीं दे सकता है। इन तमाम बातों को जो है सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल नहीं माना है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि 5 दिन की सुनवाई जो है वो हाईकोर्ट में हुई है, ऐसे में हाईकोर्ट को अपना काम करने दिया जाए। तो हाईकोर्ट कल अपना फैसला सुनाएगा और ये जो फैसला होगा हाईकोर्ट का वो सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई पर निर्भर करेगा, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा उस पर निर्भर करेगा। जो हाईकोर्ट का कल का जो आदेश आने वाला है वो अंतिम आदेश नहीं होगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ तौर पर कह दिया है। वहीं दूसरी अगर बात करें कि लगातार जो स्पीकर के वकील कपिल सिब्बल मांग कर रहे थे कि हाईकोर्ट से पूरा मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट शिफ्ट कर दिया जाए और हाईकोर्ट को अपना जो फैसला है वो ना सुनाया दिया जाए, ये मांग बार बार उठा रहे थे, तो उस मांग को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने गौर नहीं किया है। हरीश सालवे जो वकील हैं सचिन पायलट गुट के, उन्होंने मांग की कि 5 दिन की सुनवाई जो है वो हाईकोर्ट में हुई है, लिहाजा हाईकोर्ट को अपना काम करने दिया जाए, हाईकोर्ट को अपना फैसला सुनाने दिया जाए। तो इस मांग को सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है। इसके पीछे के कारण स्पष्ट हुए क्या? और हाईकोर्ट का जो फैसला होगा सुमित, हाईकोर्ट से चूंकि अभी तक तो फैसला ही नहीं आ पाया, अभी तक तो सिर्फ जो स्पीकर की तरफ से नोटिस किया गया उसको आगे बढ़ाते हुए स्टे दे दिया गया था एक तरीके से। मेरा सवाल यह है कि जब SLP दायर की गई फैसले से पहले ही SLP, आपने जैसा इंटरिम पिटिशन की बात कही है, तो इसके पीछे का कारण क्या रहा है? क्या हाईकोर्ट में मामले की अगर सुनवाई होती फैसला आता तो क्या उसमें कहीं से किसी तरीके की समस्या टेक्निकली, क्या इस बात को ग्राउंड बना के SLP को आगे फॉरवर्ड किया गया? देखिए दोनों पार्टियों को सुप्रीम कोर्ट ने संतुष्ट कर दिया है ये हम जरूर कह सकते हैं क्योंकि यहाँ बात हो रही थी कि संवैधानिक संकट की, संवैधानिक जो है वो जो सुप्रीम कोर्ट का जो 1992 का जो फैसला कहता है कि स्पीकर को तमाम अधिकार हैं, वो कोई भी अगर विधायक जो है किसी पार्टी से जुड़ने जाता है तो डिस्क्वालिफिकेशन की प्रक्रिया जो है वो स्पीकर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये उठ रहा था कि स्पीकर के नोटिस को ही यहाँ चैलेंज किया गया था सचिन पायलट गुट की ओर से, जो कि कपिल सिब्बल बार बार सुप्रीम कोर्ट
तुम उठा रहे थे कि इस नोटिस को यहाँ चैलेंज करना जो है वो गलत है, और हाईकोर्ट नहीं कह सकता है स्पीकर को कि आप डिस्क्वालिफिकेशन प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ा दीजिए, यही बार बार जो है कपिल सिब्बल उठा रहे थे। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट अपने, यानी कि वो अगर फैसला होता भी है विधानसभा स्तर का, जो विधानसभा की कार्यवाही या वहां के सेक्रेटेरिएट की तरफ से जारी हुए नोटिस इन द बिहाफ ऑफ सीपी जोशी, उस चीज का पूरा न्यायिक क्षेत्र कहीं ना कहीं हाईकोर्ट के स्तर पर नहीं हो सकता, शायद यही हवाला दे दिया गया, क्योंकि लगातार सीपी जोशी साहब ये भी कह रहे थे कि 92 में ये अधिकार तो हमें मिला, अगर हम ये नहीं करेंगे तो फिर ये लोकतंत्र को और ज्यादा कमजोर करने वाली बात हो जाएगी, अगर हर मामले विधायिका से जुड़े हुए न्यायपालिका के पास पहुंच जाते हैं। लगातार बने रहिए सुमित, आपके पास और आएंगे, जो भी अपडेट होगा वो लेंगे, लेकिन हमारे साथ में कानून के जानकार एक्सपर्ट नाहर माहेश्वरी साहब हैं, उनके पास सीधे रुक करते हैं। नाहर जी, आपने आज की जो कार्यवाही देखी है सुप्रीम कोर्ट में, अब चूंकि आगे के लिए भी वक्त दे दिया गया है कि कल जो हाईकोर्ट में फैसला होना है, आदेश होना है, वो हो जाए, उसके बाद हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे, क्योंकि वो अंतिम आदेश तो होगा नहीं, आप हायर कोर्ट में जा सकते हैं, अपनी अपील कर सकते हैं, दरवाजे खुले, क्या सिर्फ इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़ा है आज? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जो हाईकोर्ट का कल जजमेंट आने वाला है जी, एक तरीके से उसको ऑलरेडी स्टे कर दिया पहले। अब जब जजमेंट कल हाईकोर्ट का डिलीवर होगा तो मेरा ये मानना है कि लीगली हाईकोर्ट के फैसले को अब जब सुप्रीम कोर्ट में मंडे को सुनवाई होगी तो वो SLP में निश्चित रूप से कुछ ना कुछ अमेंडमेंट होंगे, क्योंकि वो फैसले को अब उनको हाईकोर्ट के जजमेंट को चैलेंज करना पड़ेगा। अभी आज जो SLP थी वो हाईकोर्ट ने जो स्पीकर को डायरेक्शन दिया था कि वो कोई कार्रवाई नहीं करे उसके खिलाफ थी, तो वो तो इन्फेक्शस हो गई एक तरीके से, क्योंकि जब कल जजमेंट ही डिलीवर हो जाएगा तो वो डायरेक्शन तो ऑटोमेटिक ही खत्म हो गया। बिल्कुल, जो भी जजमेंट आएगा अब तो जजमेंट को चैलेंज करा जाएगा और जजमेंट पे ही सुप्रीम कोर्ट सुनेगी कि क्या ये जजमेंट लीगली राइट है या नहीं है। तो ये मैं, और इससे पहले अभी हाईकोर्ट में आज मुझे पता नहीं हाईकोर्ट में क्या रहा, क्योंकि जैसा अखबारों में छपा आपने भी बताया कि केंद्र सरकार ने भी एक याचिका हाईकोर्ट में लगाई है कि साहब हमें पक्षकार बनाए बिना इसमें, क्योंकि इसमें संविधान संशोधन का मामला और संविधान को चैलेंज किया है तो हम भी नेसेसरी पार्टी हैं। वो एक्चुअली एक विधायक की तरफ से लगाई गई है कि उसमें यही कर लेती, इसमें कहा गया हाईकोर्ट के समक्ष यही बात कही गई है कि केंद्र को भी इसमें पक्ष बनाइए क्योंकि अब मामला केंद्रीय स्तर पर हो चुका है। हाँ, तो अगर जी फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट अगर ये मान लिया जाए कि कल वो एप्लीकेशन अलाउ हो जाती है तो फिर केंद्र सरकार के को भी उसमें पक्षकार बनेगा, केंद्र सरकार की तरफ से वकील अपीयर होकर आर्ग्यू करेंगे तो फिर फैसला कल आना मुश्किल भी हो सकता है, और अगर वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई तो कल फैसला आ भी सकता है। तो अभी स्थिति कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन ये स्थिति क्लियर है कि जो भी ऑनरेबल हाईकोर्ट का फैसला आएगा उसकी क्रियान्वती पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेटली इसको सुनेगा, तो अल्टीमेटली अब जो भी वर्डिंग आएगा वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आएगा। ठीक है, ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, बिल्कुल जो भी अब इसमें अंतिम फैसला आएगा जी बिल्कुल, यानी कि अभी पूरी पूरी निगाहें हाईकोर्ट के उस वर्डिक्शन पे है जो कल होना है, लिहाजा उसके आधार पर चूंकि SLP में जैसा आपने कहा कि संशोधन भी उनकी तरफ से किए जाएंगे, क्योंकि पहले उस प्रक्रिया पर सवाल थे कि हाईकोर्ट उसमें इंटरव्यू नहीं कर सकता फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट। बिल्कुल नहीं, मैं आपको ये कह रहा था, जैसे मान लीजिए फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट ये मान लें कि हाईकोर्ट पिटीशन को खारिज कर देती है पायलट साहब की, तो फिर उसको, फिर तो कपिल सिब्बल साहब चैलेंज करेंगे क्यों? फिर तो पायलट साहब चैलेंज करेंगे उसको, तो ये सारा कुछ क्या क्या मोड होगा SLP का, ये कल जजमेंट पे ही तय करेगा माहेश्वरी साहब जजमेंट किसके पक्ष में आ रहा है। ठीक है, हाँ ये भी बिल्कुल जाहिर तौर पर इसी पर तो अगला जो कदम है कौन उठाएगा और किस तरह का उठाएगा वो निर्भर करेगा, लेकिन 92 का जो बार बार हवाला दिया जा रहा है अभी उस अमेंडमेंट का जिसमें स्पीकर को ये अधिकार दिए गए थे डिस्क्वालिफिकेशन के लिए, वो क्या कुछ कहता है, उसकी भाषा क्या कहती है, कहां कहां पर स्पीकर मजबूत होते हैं इस पूरे सिनेरियो में उस हिसाब से? देखिए ये अपनी तरीके का पहला मामला है, आज तक जितने भी मामले आए हैं वो सब इन हाउस के आए हैं, ये पहली बार ऐसा मामला आया है जब हाउस के बाहर की किसी एक्टिविटी पे स्पीकर ने नोटिस जारी किया। तो ये क्वेश्चन अभी ज्यूडिशियली ट्रायल होना है कि क्या स्पीकर को सदन के बाहर किसी पार्टी विशेष की मीटिंग्स के आधार पे होने वाले व्हिप के आधार पर नोटिस जारी करने का अधिकार है या नहीं है, दिस इज द क्रूशल इशू, और ये पहले कभी किसी फैसले में तय नहीं हुआ है अभी तक, ये पहली बार हो रहा है, तो इसलिए इस पे अभी वर्डिंग आने दीजिए, उसके बाद ही पता पड़ पाएगा।
बाकी जो रूल्स हैं एसएलपी के लिए दल बदल विधेयक कानून के, वो तो बड़े क्लियर हैं कि इन हाउस बिल्कुल एसएलपी के लिए जो न्यायिक प्रक्रिया है, जैसा हम लोग देखते हैं कि जब हाईकोर्ट की तरफ से कोई फैसला आता है तो 60 से 90 दिन का मुझे जहां तक समझ में आता है शायद वक्त होता है एसएलपी आप दाखिल कर सकते हैं। तो अभी तो बहुत सारी वो तो है, लेकिन यहाँ तो यहाँ का मसला ही थोड़ा दूसरा है यहाँ तो। हाँ बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके अभी तो ये भी नहीं कह सकते ना फैसला किसके पक्ष में आएगा। बिल्कुल जाहिर है, जाहिर है। लेकिन लेकिन माहेश्वरी साहब बहुत सारे जब केसेस अभी तो ये भी तो चलिए हमारे साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया जी फोन लाइन पर है, उनसे भी बात करते हैं। सतीश पुनिया जी, हर एक कोशिश ये है कि राजस्थान के सूबे की जो जनता है उसके पक्ष में फैसला जाए, उसके पक्ष में फैसला यानी कि एक सरकार अच्छी सी चले और उसके लिए फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हों। मुझे लगता है विपक्ष इस बात से इत्तफाक भी रखता होगा। सतीश पुनिया जी। हाँ बिल्कुल, इत्तफाक भी रखते हैं और फिक्र भी रखते हैं। और जो राजस्थान की जो मौजूदा स्थिति है उसके बारे में खूब चर्चा परिचर्चा होगी, लेकिन यदि आप उसकी ठीक से शोध करेंगे तो अल्टीमेटली बात तो सीधे सीधे ही समझ में आएगी। नंबर वन कि कांग्रेस पूरे देश भर से नीति और विचार से कांग्रेस को लोगों ने नकारा है, नहीं तो पूरे देश में राज करने वाली पार्टी 3.5 प्रदेशों में सिमट गई। और ये अक्सर कहा जाता है कि लोकतंत्र में सिर गिने जाते हैं तो उनके सिर कम हो गए। दूसरा, आप जब 3.5 प्रदेशों में हो उसमें बड़ा प्रदेश राजस्थान है और राजस्थान में सरकार की शुरुआत ही झगड़े से हुई थी, यानी दो व्यक्तियों की मुख्यमंत्री पद की महत्वाकांक्षा से हुई, तो क्या आलाकमान सो रहा था क्या कि अब मुख्यमंत्री बयान देते हैं कि मेरा 1.5 साल से कम्युनिकेशन नहीं था पार्टी के अध्यक्ष से, मुख्यमंत्री का कम्युनिकेशन नहीं हो, ये ताजू की बात है। अब ये कह रहे हैं कि वो आ जाए तो गले लगा लूं, और उसके बाद लगातार जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल हुआ और इनके लोगों ने अलग अलग तरीके से कहा, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस में ये तीसरी पीढ़ी का अंतर्द्वंद और संघर्ष है। ये नेहरू जी के जमाने से चला रहा है, अब ये राहुल गांधी के जमाने में तो एक पीढ़ी जो ज्योतिरादित्य पार्टी के भीतर असंतोष होना किसी भी तरीके का, मुझे नहीं लगता कि किसी एक पार्टी में ही ऐसा होता है। भाजपा में भी देखने को मिला, कांग्रेस में भी, और यानी कि जिस तरीके से भी चुकली लोकतांत्रिक व्यवस्था है, पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक हिस्सा हो जाती है, तो ऐसे में उसमें असंतोष होना ये बहुत ही आम सी बात है। लेकिन मेरा सवाल ये है, क्यों बीजेपी पर इस तरीके के आरोप लग रहे हैं कि आप लोग सरकार गिराने की कोशिश में लगे रहते हैं? सतीश पुनिया, नहीं तो ये आसान है ना, तो इनकी पिछले 1.5-2 साल कट रहे हैं। हाँ। कि बीजेपी पर तो मत लगाओ, मोदी जी और अमित शाह जी के खिलाफ बोलो। हाँ। आप पॉलिटिकली उनको लगता होगा गेन कर रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरिया वास भी हैं फोन लाइन पर, और मैं चाहूंगा सतीश पुनिया जी आप बने रहिएगा, उनकी बात आप सुनिएगा और उस पर भी हम लोग सवाल जवाब करेंगे। और प्रताप सिंह खाचरिया साहब, आपको अगर आवाज मिल रही हो मेरी तो आज तो जी। प्रताप सिंह जी, आपको आवाज मिल रही है क्या? मिल रही है। जी जी जी, बहुत स्वागत है आपका। आज एसएलपी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साहब अभी हाईकोर्ट का आने दीजिए आदेश, उस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे, उसके वो अंतिम आदेश नहीं होगा, इस पर क्या प्रतिक्रिया? और सतीश पुनिया साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं, वो कहते हैं कि साहब आप लोग बस आरोप लगाते हैं, हमारा तो कुछ ऐसा है नहीं कि सरकार गिराने की मंशा के साथ आगे बढ़ते हो। दो बातें, बात आप मानकर चलिए, अभी ये सुप्रीम कोर्ट में मामला चलाया गया है, इसमें कोई दोराय नहीं कि ये अकेला मामला कांग्रेस के ऊपर लागू नहीं होगा, ये देश के लोकतंत्र के लिप के ऊपर लागू होगा। आज बीजेपी को ये खुश नहीं होना चाहिए के स्पीकर के उस पर सुप्रीम कोर्ट ने 27 तारीख तक फैसला टाल दिया। ये फैसला ऐसा था जिसमें तुरंत प्रभाव से स्पीकर को सम्मान देते हुए डिसीजन होता। मैं आज आपसे कह रहा हूँ, आज लोकसभा अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष, कांग्रेस बीजेपी से अलग हट के बात कर रहा हूँ, यदि आपने इनके पावर सीज हो जाते हैं, यदि लोकसभा और विधानसभा भी कोर्ट की तरफ देखेगी और कोर्ट उन इनमें इंटरवीन करने लग गए तो मैं आज आपसे कह रहा हूँ लोकतंत्र देश में खत्म हो जाएगा। आज ये कांग्रेस का मसला चल रहा है, कांग्रेस की सरकार गिराने का, कल लोकसभा को लेकर मोदी जी के खिलाफ कुछ स्टैंड होता है और उस वक्त लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ इस तरह से सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अभी हम विचार करेंगे इस पर। अब जो लोकसभा में बहस होनी चाहिए, कानून कौन बनाता है? हिंदुस्तान की लोकसभा बनाती है, और लोकसभा में जो कानून बनाती है लोकसभा, हाँ। आज वो लोकसभा और विधानसभा सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की तरफ देखेगी। बीजेपी के लोग खुश हो रहे हैं और खुश होकर कह रहे हैं कि साहब हाँ ये सब ठीक है। हाँ। इस वक्त तो देश की डेमोक्रेसी जो वोट से चुनी जाती है, आवाज ये आनी चाहिए थी कि भाई स्पीकर का फैसला चाहे स्पीकर
बीजेपी और कांग्रेस में बांट कर नहीं, स्पीकर का फैसला सुप्रीम में है, कितना सा मामला नोटिस दिया गया, नोटिस में वो जवाब दे देते कि साहब हम तो कांग्रेस में ही है। नहीं, एक एक बात का और जवाब दीजिएगा, अगर अगर यही बात, एक मिनट प्रताप सिंह जी, अगर ये बात है और निश्चित रूप से आपकी बात सही है कि नोटिस गया था तो जवाब देना चाहिए था, मेरा मतलब ये कि हाईकोर्ट में अगर मामला चला गया तो एसएलपी दायर करने से पहले हाईकोर्ट का फैसला आ जाने देते, क्योंकि एसएलपी दायर करने के लिए तो 60 से 90 दिन का वक्त मिलता है। ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये बात विधान, मैं तो उस वक्त भी इस मामले में था और मैं तो अध्यक्ष जी से मिलूंगा जब कहूंगा हाईकोर्ट का फैसला आ जाने देते, वो अलग बात है। आप अपनी जगह, आपकी सोच सही हो सकती है, मेरी सही हो सकती है, लेकिन अध्यक्ष को इतना भरोसा था सुप्रीम कोर्ट पर। ये भी तो देखिए ना आप प्रोफेसर सीपी जोशी जी को, कि पहले सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे चुका है कि सुप्रीम अध्यक्ष है विधानसभा अध्यक्ष, उसी फैसले के तो उनको तो लगा 15 मिनट में आ जाएगा डिसीजन, और वापस सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो खुद के फैसले दिए गए, लार्जर बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट की लार्जर बेंच ने जो फैसला दिया,